हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको बीएससी सेकेंड ईयर में विलियम सोनिया सिवार्डियाना चैप्टर शॉर्ट पेपर जो क्वेश्चन बना हुआ है इसमें विलियम सोनिया सिवार्डियाना से क्वेश्चंस कुछ पुटअप होते हैं। जैसे कि क्या होता है कि विलियम सोनिया सिवार्डियाना से आपको कहीं से भी पूछे, पहली बात तो ये क्या है, ये फॉसिल प्लांट्स होते हैं जो ब्रायोफाइट है, जो आपने यहाँ पर जिम्नोस्पर्म पढ़ते हैं। जिम्नोस्पर्म में आपके सिलेबस में साइकस, स्पाइनस, इफिड्रा है, ठीक। तो जो साइकस, स्पाइनस, इफिड्रा के अलावा क्या होता है इसमें, जो विलियम सोनिया सिवार्डियाना है, ऐसे कई और फॉसिल प्लांट्स हैं जो मैं आपको पढ़ाऊंगी, जिसमें से विलियम सोनिया सिवार्डियाना को बिहार में प्रोफेसर साइनी ने 1932 में बिहार के राजमहल हिल्स में, यहाँ विलियम सोनिया को वहां से सबसे पहले प्रथम बार प्राप्त किया गया था। ये अनेक प्रकार का फॉसिल प्लांट है जो साइकस की तरह भांति देखने में हमें साइकस के जैसे दिखाई देता है। इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन क्या है, सिस्टमैटिक पोजीशन इसको डिवीजन जिम्नोस्पर्म में रखा गया है। क्लास साइकेडॉप्सिडा होती है। ऑर्डर साइकेडियोडेल्स, ठीक है, ऑर्डर क्या है, साइकेडियोडेल्स, क्योंकि साइकस से प्रजाति से लिया गया है तो हमने आपको बताया कि साइकेडॉप्सिडा, साइकेडियोडेल्स। एंड फैमिली क्या है, विलियम सोनियेसी, विलियम सोनिया फैमिली जो इसका नाम है विलियम सोनिया, ये विलियम सोनियेसी फैमिली में ही रखा गया है। जीनस विलियम सोनिया और इसकी स्पीसीज होती है सिवार्डियाना, तो अब इसलिए इसको क्या कहते हैं, विलियम सोनिया सिवार्डियाना कहते हैं। और आप हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी जो हमारा स्पीसीज होती है इसको क्या बनाते हैं, हम स्मॉल लेटर से बनाते हैं, ठीक है, और दोनों को अंडरलाइन करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं किस प्रकार की स्ट्रक्चर है, तो ये मैंने आपको बता दिया है कि प्रोफेसर साइनी ने सर्वप्रथम इसको राजमहल हिल्स से 1932 में प्राप्त किया था, ठीक है। जो विलियम सोनिया सिवार्डियाना होता है इसमें ये भी साइकस की तरह कुछ ब्रॉड लाइक पेड़, छोटे आकार का 2 से 3 मीटर समथिंग, ज्यादा इसकी हाइट नहीं होती है, 2 से 3 मीटर के समथिंग एक पेड़ के समान संरचना होती है, पेड़ लाइक स्ट्रक्चर। इसमें भी ऊपर सिर पर इसमें जो कॉर्टेक्स वगैरह हम कह सकते हैं, आप देख सकते हैं इसका तना कैसा होता है, ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है। और आप जानते हैं कि चौड़ा कैसे होता है किसी भी चीज का तना, जब उसमें कॉर्टेक्स ज्यादा बड़ा हो जाता है, संवहन बंडल, और जैसे कि जाइलम फ्लोएम के लेयर्स वगैरह है ना, सेकेंडरी ग्रोथ, द्वितीय जाइलम, द्वितीय फ्लोएम बनने लगता है, तभी ये कॉर्ट कैम्बियम बनाता हुआ एक प्रकार का पूरा क्या बनता है, एक मोटी छाल सी बनने लगती है। तो इसमें क्या कह सकते हैं, आपकी सेकेंडरी ग्रोथ होती होगी, तभी तो ऐसी ऐसे है, ठीक है। ट्रंक लाइक स्ट्रक्चर, इसमें 5 शाखाओं से लीफ निकलती है, 5 शाखाओं से भी निकलती है, और ऊपर क्राउन लाइक स्ट्रक्चर बनाती हुई भी इसमें लीव्स निकलती हैं। पिनेट्री लीव्स के बीच बीच में क्या होता है, जो लीव्स होती है बीच बीच में क्या होते हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े लीफ स्कार्स होते हैं, क्या होते हैं देख सकते हैं, बीच बीच में देखिए लीफ स्कार्स होते हैं, जो लीफ स्कार्स में छोटे छोटे लीफ स्केल्स के कारण वह स्कार्स भी छोटे छोटे होने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर 5 शाखाओं से भी हमने बताया कि लीफ निकलती हैं, ठीक है। और इसमें जो वेजिटेटिव ग्रोथ बताई हुई, क्योंकि ये स्पोरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं, तो इसमें लेकिन इनमें क्या हुआ, इन प्लांट्स में इन्होंने बताया कि इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वह ज्यादातर वेजिटेटिव प्रकार का पाया जाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में इनकी जो 5 शाखाएं या 5 शाखाओं से बल्ब लाइक स्ट्रक्चर निकलती है, कुछ शाखाओं से 5 शाखाएं भूमि पर गिरकर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के माध्यम से ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। इनमें प्रजनन की क्रिया इसी प्रकार से पाई जाती है। और ये भी अनुमान लगाया गया कि इनमें कुछ ऊपर बर्ड्स लाइक स्ट्रक्चर भी लगती हैं, ये फ्लावरिंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के रूप में फ्लावर्स भी लगती हैं, जिनसे इनमें क्या देखा गया है, प्रजनन को बताया गया है, ठीक है। क्योंकि ये कैसा है, आपको मैंने बताया कि फॉसिल है, ये जीवाश्मी पौधा है, तो अभी इसके सत्य प्रमाण नहीं है, ये हमें हमने इसको स्ट्रक्चर वाइज पढ़ा, क्योंकि अब ये यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विलियम सोनिया सिवार्डियाना अभी एट अ प्रेजेंट टाइम ये मौजूद नहीं है, इसलिए इसमें इसकी जो स्ट्रक्चर है ये इसी प्रकार से आपको दिया होगा बुक्स वगैरह में, आप पढ़ सकते हैं। इसकी ज्यादा से ज्यादा नॉलेज ये है कि इससे जब ट्रंक का हमने स्टेम सेक्शन करके देखते हैं तो हम उसकी भी स्ट्रक्चर आपको बता सकते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में माना जाता है कि फ्लावरिंग लाइक स्ट्रक्चर भी होती है, तो उसका भी हम आपको बता देंगे कि किस प्रकार से इसमें फ्लावरिंग स्ट्रक्चर होती है और कैसे इसमें प्रजनन होगा, ठीक है।
कोई प्रॉब्लम आप लोगों को, आपको सिंगल शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, आपको ये पूछ सकते हैं कि भारत में सर्वप्रथम किसने देखा, तो प्रोफेसर साइनी ने देखा। आपसे ये भी पुट अप कर सकते हैं लीफ स्केल से लीफ स्कार्स के बारे में पाई जाती है नहीं। आपसे सिस्टमैटिक पोजीशन में से कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं कि किस प्रकार का पौधा है, जिम्नोस्पर्मिक एंजियोस्पर्मिक। जिम्नोस्पर्मिक तो है लेकिन ये फॉसिल प्लांट है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपसे रिप्रोडक्शन के बारे में भी पूछ सकते हैं, तो इस तरीके से इसके शॉर्ट क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। और इसमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है या नहीं, तो आप कहेंगे कि हाँ इसमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, ठीक है। जाइलम फ्लोएम के बारे में, जाइलम ट्रैकीज बेसल सब का बना होता है, आप ये भी बता सकते हैं, ठीक। तो आप लोगों को भी दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।